Hi everyone, this is me Jolly Yadav welcoming you back to our channel Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ AIGIN Royal Park Aditya World City में. Guys, this is the most affordable project and premium segment in Aditya World City. And why? I'll tell you that in the end. सबसे पहले मैं इस project की आपको location explain कर देती हूँ. So Aditya World City basically NH24 गाजियाबाद में situated है. एंड सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोजेक्ट की इसकी लोकेशन रहेगी. NH24 की वजह से आपको दिल्ली और मेरठ दोनों तरफ की सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है. हम अगर गाजियाबाद के RDC की बात करें तो वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर रहेगा. नोएडा इज अराउंड 12 मिनट्स फ्रॉम हियर. उसके साथ साथ नोएडा एक्सटेंशन की भी बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन आपका यहाँ से अराउंड 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. नियर बाई हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं. फॉर इंस्टेंस IMS, ABES, संतोष मेडिकल कॉलेज, ये सब के सब यहाँ से 10 मिनट के रेडियस में रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं. इनफैक्ट आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर ही कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज के टाइम पे ऑपरेशनल है. तो वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर ATS खाइबर मॉल डेवलप हो रहा है. वेव सिटी में SKA का एक मॉल डेवलप हो रहा है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बट विद इन अ ईयर और टू ये भी आपके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पर एक स्कूल भी प्रेजेंट है. सेंट जेवियर्स हाई स्कूल इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोकेशन. सो यहाँ पर आसपास आपको सारी जरूरतों की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाते हैं. पेट्रोल पंप यहाँ पर है, बैंक्स यहाँ पर कई सारे सोसाइटी के अंदर, इस टाउनशिप के अंदर ही है. बेसिकली आदित्य वर्ल्ड सिटी एक टाउनशिप है जो कि काफी बड़े एरिया में बनी हुई है. एंड यहाँ पर कई सारे बिल्डर्स ने लैंड लेकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं. एंड वन अमंग देम इज AIGIN जो कि अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर लेकर आए हैं. ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, सितंबर में ये लॉन्च किया गया था. एंड यहाँ पर आपको प्रीमियम कैटेगरी में 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं. गाइस चलिए आगे चलते हैं. इस प्रोजेक्ट की मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाने वाली हूँ, प्लस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी शेयर करूंगी. गाइस वी आर इनसाइड द प्रोजेक्ट साइट, या कि एक्चुअल साइट है. एंड पीछे आप देखिए कंस्ट्रक्शन का अपडेट आप ले सकते हैं यहाँ से. काफी हद तक यहाँ पर बेसमेंट का काम हो चुका है, डिगिंग कम्प्लीट हो गई है. एंड बेसमेंट में अभी बेसिकली यहाँ पर काम चल रहा है. प्रोजेक्ट MyOne फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा डिमांड में है. होम बायर्स, हर होम बायर चाहता है कि उनका घर MyOne फ्रेमवर्क के साथ बने. तो ये प्रोजेक्ट आपका MyOne फ्रेमवर्क के साथ होता है. इसकी खासियत क्या होती है? बेसिकली MyOne स्ट्रक्चर से जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनकी लॉन्जिविटी काफी ज्यादा होती है, लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है. प्लस ये बनकर भी जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो बिल्डर्स का भी फायदा होता है कि ये इनमें बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. सो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है. उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले मैं आपको उसका पोजीशन बता देती हूँ. लास्ट ईयर ये सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था. एंड अकॉर्डिंग टू रेरा ये प्रोजेक्ट 2029 में डिलीवर हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू द बिल्डर वो इसको 2027 तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे. प्रोजेक्ट आपका 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है. टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है जिसके एक तरफ अथॉरिटी का 2.5 एकर्स का पार्क है एंड फ्रंट पे आपका ये मेन रोड रहेगा. प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही टावर्स हैं. प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है एंड सिर्फ 2 टावर्स हैं. यहाँ पे टावर्स को नाम दिया गया है नित्या और काशवी. नित्या में आपके 3 BHKs रहेंगे एंड काशवी में आपके 4 BHK फ्लैट्स रहेंगे. नित्या में एक फ्लोर पर 6 फ्लैट रहेंगे 3 लिफ्ट के साथ एंड काशवी में एक फ्लोर पर सिर्फ 4 फ्लैट्स रहेंगे 3 लिफ्ट के साथ. साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज या फिर ओपन एरियाज की बात करें तो 2.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में लगभग 1 एकड़ आपका पूरा ग्रीन एरिया के लिए छोड़ा गया है. उसमें सिर्फ आपके ओपन स्पेसेस एंड कई सारी आपके लिए अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी. बात कर लेते हैं क्लब हाउस की, तो क्लब हाउस यहाँ पर आपका 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप हो रहा है जिसमें आपको कई सारी अमेनिटीज मिलेंगी. ये आपका G+2 के एलिवेशन के साथ रहेगा एंड यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आपको
किड्स रिलेटेड एक्टिविटीज मिल जाएंगी, फिर उसके बाद जिमनेजियम एंड आपके योगा रूम्स रहेंगे, एंड टॉप फ्लोर पर यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, टेरेस पर आपका स्विमिंग पूल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लब हाउस के अंदर आपके कैफेटेरिया एंड बैंकेट भी इंक्लूडेड रहेंगे, एंड ऑफकोर्स आपको मल्टीपल इंडोर गेम्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आउटडोर एरियाज की हम बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फुटपाथ डेवलप किया जाएगा जिसमें लोग जॉगिंग कर सकते हैं एंड शाम के टाइम वॉकिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर एक पार्क भी डेवलप किया जाएगा, उसके साथ साथ कई सारे आपके पास आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के भी एरियाज रहेंगे। मल्टीपर्पज यहाँ पर कोर्ट रहेगा, एम्फी थिएटर रहेंगे एंड ऑफकोर्स काफी सारी डेकोरेशन रहेगी प्रोजेक्ट में। गाइस टावर्स का एलिवेशन G+26 फ्लोर्स का रहेगा एंड पार्किंग ऑफकोर्स आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी। नाउ कमिंग टू दी अपार्टमेंट्स, तो अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में दिए जाएंगे जिसके अंदर आपका ड्रॉइंग डाइनिंग में फॉल सीलिंग इंक्लूडेड रहेगा, सेमी मॉड्यूलर किचन रहेगी। इनफैक्ट पूरे अपार्टमेंट में आपको वुडन वर्क कंप्लीट मिलेगा जिसमें आपकी वार्डरोब्स इंक्लूडेड रहेंगी, वॉशरूम्स की फिटिंग्स आपकी कंप्लीट रहेंगी, साथ ही साथ वॉशरूम में आपका ग्लास पार्टीशन के साथ शार एरिया भी रहेगा। उसके साथ साथ जितनी भी यहाँ पर फिटिंग्स यूज की जाएंगी वो सारी जैगुआर लेवल की रहेंगी, सो ऑल इन ऑल प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पर फिटिंग्स रहेंगी। सो आपके सेमी फर्निश्ड यहाँ पर फ्लैट्स मिल रहे हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ के बिल्डर की। सो बिल्डर AIGIN ग्रुप काफी पुराने बिल्डर हैं जिन्होंने आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 4 प्रोजेक्ट अपने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। 2 प्रोजेक्ट इनके राजनगर एक्सटेंशन में हैं एंड 2 प्रोजेक्ट इनके नोएडा एक्सटेंशन में हैं एंड ये उनका 5वां प्रोजेक्ट है। बिल्डर एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं, फुली पेड अप लैंड है एंड SBI से इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको लोन किसी भी बैंक से काफी आसानी से मिल जाएगा एंड कंस्ट्रक्शन आप देख ही चुके हैं, काफी तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो ऑल इन ऑल ये काफी ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल बजट में। सो गाइस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, आपको हमारा आज का ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ लाइक आई टोल्ड यू वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में खासियत क्या है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको लेआउट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, काफी डिफरेंट रहेंगे जो कि कस्टमर्स को काफी पसंद आएंगे। प्रोजेक्ट आपका वास्तु कंप्लायंट रहेगा, वास्तु को ध्यान में रखते हुए ही इसको डिजाइन किया हुआ है, सो हमारी बिलीफ एंड ट्रेडिशंस में को बिल्कुल भी ये क्लैश नहीं करेगा। साथ ही साथ ये आपका 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग में आपको अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीन एरिया मिल जाता है, 2.5 एकर्स का ग्रीन पैच मिल जाता है। एंड ये एरिया की भी बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर सुकून है, पीसफुल लोकेलिटी है, शोर शराबा नहीं है, NH24 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। NH24 इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ से मुश्किल से 200-250 मीटर के डिस्टेंस पर NH24 आ जाता है। कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज सुपर्ब एंड द मेन USP ऑफ दिस लोकेशन। सो कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सुकून भी मिल रहा है। इनफैक्ट ये पूरी टाउनशिप भी काफी ज्यादा लो डेंस टाउनशिप है, यहाँ पर आपको कभी भी ओवर पॉपुलेशन या ओवर क्राउडेड वाली सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। शाम को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस टाउनशिप की आपको सारी अमेनिटीज भी यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेंगी। स्कूल यहाँ पर है, बैंक्स यहाँ पर है, कई सारे यहाँ पर कमर्शियल्स भी प्रेजेंट है, सो दैट इज अगेन अ मेजर USP। यहाँ पर आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्पेशल पेमेंट प्लान भी मिल रहा है, उसके साथ साथ आपका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान तो रहेगा ही। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो एट प्रेजेंट यहाँ पर जो BSP है, टॉप फ्लोर की BSP अप्रोक्स आपकी 7300 पर स्क्वायर फीट है एंड जैसे ही आप नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपकी BSP थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। बट गाइज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इन दिस रीजन, इस प्रोजेक्ट का BSP यहाँ का जो रेट है वो सबसे ज्यादा डिसेंट है। अमेनिटीज आपको प्रीमियम मिलने वाली है, सोसाइटी आपकी प्रीमियम है, बट रेट्स
काफी ज्यादा डिसेंट है। सो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट प्रोजेक्ट इन प्रीमियम कैटेगरी। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं या फिर इसे विजिट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल करना है, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I'm not the one who's running out of time.